हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। स्माइल भी उड़ गया है और कैसे खेल रहा है देखिए, और गिनती कर रहा है अपने हाथों से। हमारे मठ में भी कीर्तन शुरू हो गया है। हमारे मठ में जब कीर्तन शुरू होता है उससे पहले ही स्माइल उठकर ऐसे खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद बाहर जाने की ज़िद भी करेगा। किसी की आवाज़ सुनता है बाहर से तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, पूरा बाहर जाने की ज़िद करने लगता है। सुबह सुबह गाड़ी वाला आया कचरा लेने के लिए तो हम सब भी चले गए बाहर और स्माइल भी वो गाना सुनकर हाथ पैर हिलाने लगा। अभी मैं उसके लिए बिस्किट निकाल रही हूँ, मेरी गोल्ड का बिस्किट 2-3 पीस खाता है सुबह सुबह। और वो जो गाना है ना, वो सारे बच्चों का फेवरेट गाना है, वो जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो वाला गाना। और स्माइल भी वो गाना पूरा याद कर चुका है, तो जब भी वो गाड़ी आता है गाना बजता है तो इधर हाथ पैर हिलाकर वो जाने की कोशिश करता है गाड़ी के पास। और हमारे आंगन में भी अभी धूप आने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो धूप और छाँव आधा आधा है, इसलिए बैठकर सब्ज़ी काटने के लिए अच्छा लग रहा है। तो मैं और चाहत बैठे हैं यहाँ। चाहत को ड्यूटी मिल गई है मटर छीलने की और स्माइल को अब दीदी चोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग दिन में 4-5 बार स्माइल के चोटी बनाते हैं, फिर भी इधर उधर हो जाता है और चोटी टिकता ही नहीं उसके सर पे। तो फिर से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वो लगे पड़े हैं लेकिन वो मान नहीं रहा है। वो मेरे पास आ रहा है वो छुरी लेने के लिए, मैं छुरी से काट रही हूँ ना सब्ज़ी इसीलिए। और जल्दी जल्दी सब्ज़ी काटने के बाद हम लोग नहा लेंगे। चाहत और मैं पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये सर्दियों के मौसम में जो सब्ज़ी मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। मतलब हर सब्ज़ी अवेलेबल होता है, गाजर मटर और कैप्सिकम मिलता है, चकुंदर भी आता है। तो मैं भी सब्ज़ी काट कर रेडी हूँ, स्माइल का भी चोटी रेडी हो गया है। तो आज सब्ज़ी में बनेगा गाजर मटर आलू और हाँ गाजर मटर आलू, और यहाँ पर मैंने गोभी भी काटा है। तो फिर अब मैं नहा लूँगी। और आज चाहत का नया किताब आ गया बर्नबोध। हम सब ने तो ये पढ़ा ही होगा, मतलब आप सभी ने भी ये पढ़ा ही होगा। मतलब हमारे सबके बचपन का ये पहला किताब होता है जिसमें अ आ से लेकर सब कुछ यहीं से ही पहले हमें सीखने को मिलता है। तो आज चाहत क्या आ गया है? चलो नहीं अभी नहीं था, आगे पढ़ूं था। उसके बाद क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। तो चाहत से पूछते हैं, चाहत ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है? स्कूल नहीं जाती, ट्यूशन जाती है, आंगनवाड़ी सेंटर जाती है, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। तो हम चाहत से आज चलिए पूछते हैं, मतलब हमेशा तो पढ़ाई करती रहती है, किस तरह से पढ़ती है आज हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम चाहत का टेस्ट करते हैं। अभी चाहत आपको पढ़कर बताएगी, उसको क्या क्या आता है वो पढ़कर बताएगी। पढ़ देना नी, पढ़ी दे का कहना जान सुझे, पढ़ी दे धर। ये सब तस्वीर में क्या क्या है बताओ, ये सब क्या है, ये सब क्या है बताओ। ऑटो। और इधर ऑटो। घर गोटे सब देखिए, देखिए डाल, देखिए
তারপরে হ্যাট হ্যাঁ তারপরে হিট হুম তারপরে বাসমাটা হুম তারপরে ভাত হুম তারপরে খুরি কিনা হুম তারপরে চেরে চেরে দেখিয়ে চেরে আর তারপরে গিটা হুম মকরা মকরা দেখিয়ে মকরা আর তারপরে এটা পাইন বুটল হুম ননিকে তার মা ধরিছে ননিকে তার মা ধরিছে এটা বাবা হুম এ ঘর যা উঠ এটা মামা হুম এটা দাদা এটা চিনি দে গুসরা ওই গুসরা এটা নিনি গটে হুম এরা ছন্দ হুম ঘর হুম এটা কাইটা বাদন হুম সাপ হুম গটে লাগ ফুকুচে ছেল হুম চামুচ তারপর চিকেন ফিস করছে তারপর বুড়ি মা খানা মাঠে উঠে খাইবা মা খাইয়া করছে দিন ফুকি রয়েছে ডঙ্গা বুড়া গোটে বসে চার দেখুছে এটাকে আর পোখরা বন্দুক মারে বা জানলি না নিয়া তা এটা কেটে কুবি হুম তারপরে পয়সা হুম चाहत भी बिल्कुल उसी तरह से पढ़ रही है जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे बचपन में। किताब में कुछ और लिखा होता था और हम सब कुछ और ही पढ़ते थे, मतलब तस्वीर देख देख कर हम पढ़ते थे। वो भी उसी तरह से कीड़े मकोड़े कुबी डाल वो सब बोल बोल कर पढ़ रही है। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आज ब्रेकफास्ट में है पानी भात और भाजी। तो स्माइल को भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो खाता नहीं है, बस खेलने के लिए आया था मेरे पास। तो एक दो निवाला उसके मुँह में भी डाल रही हूँ तो वो अजब अजब शक्ल बनाकर खाने की कोशिश कर रहा है। और उसका जो सॉलिड फूड तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसमें दाल चावल उसको थोड़ा सा कम ही देती हूँ मैं। उसके लिए प्रीमिक्स बना कर रखी हूँ, वो सब देती हूँ, मतलब होममेड जो सरेलेक होता है ना वही। और उसके बाद लंच की प्रिपरेशन भी करना है। तो आज सडनली लंच में प्लान बन गया पनीर बनाने का। और जो गोभी और सब्जी मटर आलू वगैरह काट कर रखे थे वो रात को ही बना लेंगे। और जो भैया हमारे घर में दूध देते हैं ना, तो पापा उनको बोले थे पनीर लाने के लिए, तो वो भैया आज पनीर लाए। तो रात को पनीर खाना हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं, इसलिए दिन में ही बनाने के लिए बोले, तो पनीर बनाने की ड्यूटी मुझे दे दी है। मैंने पनीर को थोड़ा सा छान लिया है ऑयल में और अभी प्याज मसाला टमाटर सब भुनकर मसाला तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं पनीर भी डाल दूंगी। और हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा टमाटर खाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हर सब्ज़ी में सब्ज़ी कम और टमाटर ज़्यादा दिखेगा आप लोगों को। इस तरह से हमारे घर में टमाटर यूज़ होता है, बहुत पसंद करते हैं टमाटर को। तो जो मसाला तैयार किया था उसमें मैंने अभी पनीर भी डाल दिया है और अभी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो स्माइल भी नहा चुका है और आज उसको शैम्पू करके नहलाए, चाहत भी उसके साथ दोबारा नहाई और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। पनीर के साथ मूंग दाल भी बनाया था और थोड़े से चिप्स भी खा रही हूँ, वो पापड़ वाला चिप्स होता है ना वही। और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ भैया के लिए। तो मेरे भैया सरप्राइज़ देने के लिए सडनली पहुँच गए घर में। तो ये छोटे भैया हैं मेरे और भुवनेश्वर में रहते हैं, सरप्राइजिंगली सडनली पहुंच गए घर में। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि सब्ज़ी पूरा ख़त्म होने के बाद पहुँचे इसलिए। तो आप सबका दिन भी मंगलमय हो इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। हाँ, और एक बार अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।